है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी के लिए बहुत ही टेस्टी सी मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके बाद इसमें हम एक कप बेसन ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो फिर चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसी तरह से फैला देंगे। देखिए फ्राई हो गया है, तो इसी तरह से हम सारा बैटर फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने सारा फ्राई कर लिया, अब इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मिक्सी में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने पाउडर भी बना लिया है। तो चलिए कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में एक कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी। चाशनी बना लेंगे, लगातार चलाते हुए चाशनी बना लेंगे। उसके बाद इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा कलर डाल देंगे इसमें, फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है। उसके बाद फिर जो मैंने बेसन का चूरा रखा है इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। धीमी आंच पर इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम बीज डाल देंगे खरबूजे के, और उसके बाद लड्डू बना लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। देखिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी लड्डू बना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब